माइक्रोस होगा कि अगर आपके पास जो तहरीर है बहुत ज़्यादा है और आपने वो उसी तहरीर को बहुत ज़्यादा पेजेस पे लिखना है, तो आप अगर उसकी शॉर्ट कीज़ बना लेते हैं और आप उसे एक साथ अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे आते हैं। इसमें आने के बाद आप आएंगे रिकॉर्ड माइक्रोस में, और रिकॉर्ड माइक्रोस में आने के बाद यहाँ पे जो है आप माइक्रो को नेम देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे नाम दे देते हैं लर्निंग, और उसके साथ जो है हमारे पास ये शॉर्ट कीज़ आ रही है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट कीज़ है 1 2 0 आ रही है। हम यहाँ 1 सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये शॉर्ट की जो आ रही है हमारे पास यहाँ पे, शॉर्ट की मस्ट बी अ लेटर है, तो हम यहाँ पे जो शॉर्ट कीज अप्लाई करते हैं वो हमारे पास है क्यू, यानी कि क्यू का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। तो हमने क्यू टाइप किया, ओके कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो हम कोई भी डाटा वगैरह अपना टाइप करेंगे, यानी कि आपने सारी डिटेल्स अपने यहाँ पे टाइप कर दी, और टाइप करने के बाद इसे सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से जो हम इसे रिपीट कर देते हैं, और रिपीट करने के बाद यानी कि आपने अपना काम कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद इसे स्टॉप करना चाहते हैं, तो दोबारा से आप यहाँ पे आएंगे माइक्रोस पे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं। और अब अगर हम नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे और कंट्रोल क्यू टाइप करते हैं, यानी कि जो शॉर्ट की हमने बनाई है तो वही शॉर्ट की यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि आप जब भी इसे अप्लाई करेंगे तो आपने एक न्यू शॉर्ट जो है शीट बना ली है और उसके अंदर इसे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये था। और अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं, यानी कि आपने उसे यूज कर लिया, काम कंप्लीट कर लिया और इसे डिलीट कर रहे हैं, तो आप दोबारा से माइक्रोस पे आते हैं, इसे सेलेक्ट करें और उसके बाद डिलीट कर दें और यस कर दें, तो जो है आपके पास वो डाटा दोबारा से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा।